50 साल का इतिहास है जी दोस्तों, 50 साल का इतिहास है सर्विस सेक्टर का। ये स्टॉक बड़ा खेल करने वाला है, जानिए कौन सा शेयर इस खेल में विजय हासिल करेगा और इस खेल में कौन कौन से स्टॉक आपको आज तक दिखाते रहे दमखम। और मेरा दावा है दोस्तों जी, मेरा दावा है कि ये स्टॉक जितने भी इस वीडियो में है, अगर आपके पास है तो समझिए कि आपके विजय 100% तय है। तो चलिए आप भी जान लीजिए कि 50 साल का इतिहास में कौन सा ये सर्विस सेक्टर न आज तक नुकसान दिया है और न ये कंपनी आपको, ऐसे सर्विस सेक्टर के कोई भी कंपनी नुकसान में नहीं रहती है। अब चलिए थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि सेक्टर कौन कौन से सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो पहला आता है दोस्तों लॉजिस्टिक्स, दूसरा आता है कुरियर, ये सब आपको समझाने के लिए आपको लिख देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एनर्जी, एनर्जी में गैस पेट्रोल डीजल सब आता है दोस्तों, रेलवे। तो सारे सभी के सभी स्टॉक जो है आपको बड़ा खेल करने वाले हैं। कौन कौन से हमारे इस वीडियो में लिस्ट में है वो भी चलिए जान लेते हैं। और तैयार है ये नंदी भगवान, हमारे जो सनातन के भगवान शिव के सामने हमेशा तत्पर रहते हैं और तैयार रहते हैं कभी भी मुकाबला करने के लिए भालू से। तो बियर कभी भी इनके सामने टिकता नहीं, सींग लगा कर उठा कर फेंक देते हैं। चलिए ये है, जब जाएंगे दोस्तों ये वहाँ का है, लाइव हमने खींच कर लाया वहाँ से, और उस समय एक मीटिंग थी उस समय दौरान हमने इसको खींचा है और ये बहुत ही ज़बरदस्त, ये आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। उस समय ये बहुत पुराना ये फ़ोटो है। बॉम्बे स्टॉक में जब जाएंगे आप, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो सबसे पहले इन्हीं का दर्शन होगा, नंदी भगवान का, जिसको बुल्स कहते हैं हम लोग, और बुल्स का मतलब कि एकदम हरियाली। तो ये जो है आपको तैयार है सर्विस सेक्टर के स्टॉक में कमाई कराने के लिए। तो पहला स्टॉक हमारे पास है दोस्तों जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सर्विस सेक्टर का और पीएसयू का, ये जो नहीं पूछता था कोई आपको मैं बता दूं कि कुछ ही महीने से रडार पे बहुत लोगों को आया है, हम तो इसको एक साल से बोलते आ रहे हैं, इसलिए कि ये स्टॉक 227 मत देखिए, आपको डे एक साल के अंदर आपको वो मुकाम देखने को मिलेगा। जब ये एक चीज़ बस देखते रहिएगा, ये देखते रहिएगा, ये दोनों चीज़, ये दोनों देखते रहिएगा डेढ़ महीना में क्या चेंज होता है। ये अगर बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है तो आपका पैसा समझ लीजिए कि बढ़ रहा है। चलिए दूसरा स्टॉक न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये भी सर्विस सेक्टर का स्टॉक है और इसीलिए मैं हरियाली में लिख रहा हूँ कि सभी स्टॉक आपको हरियाली में, और ये मिसाइल की तरह तेज़ी से भागने वाले हैं। इसके भी मार्केट कैप देखेंगे तो कोई बुरा नहीं है। और देखिए ये स्टॉक तो तैयार है दोस्तों, ये रुकने वाला नहीं है, इसलिए कि इसका प्राइस अर्निंग देखिए और 22,000 करोड़ का मार्केट कैप देखिए। बस इसमें इसको देखना है, इसके मार्केट कैप ज़्यादा है लेकिन प्राइस अर्निंग रेशियो कम है, तो ये थोड़ा सा वेट कर रहा है, इसलिए कि महंगा स्टॉक है तो इसके पीछे भागते नहीं, लेकिन ये थोड़ा सस्ता है इसलिए ये आपको लोग देखते हैं। चलिए 91 रुपये का स्टॉक, ये स्टॉक अगर आप 3 महीना बनेंगे इसमें तो ये आपको 120 रुपया पार करके दिखाएगा और ये स्टॉक बहुत बड़ी मूव करने वाली है दोस्तों। और दूसरी तरफ कि ये डिविडेंड भी देता है बहुत ज़बरदस्त, और ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी और इसका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, दोनों का जो प्राइम अर्निंग है लगभग 1 पॉइंट का डिफरेंस है, तो IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी
हमारे इस सर्विस सेक्टर में आते हैं। भारत पेट्रोलियम, ये एक थीम है जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि पेट्रोल डीजल ऑयल सेक्टर का भारत पेट्रोलियम अपने रडार पर रखिए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये बहुत सस्ता है और ये आपको तैयार है दोस्तों, बस 3 महीना का इंतज़ार करिए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन तो हो ही गया। आइए गुजरात गैस, ये भी आपको तैयार है, माल उठाते रहिए जितना उठाना है, जिसको जितने भी ये स्टॉक हम बता रहे हैं ये अब रुकने वाले नहीं है। ये सो रहा था दोस्तों, ये कुंभकर्ण की तरह सो रहा था बहुत दिनों से, इसको MBA BK सिंह ने जगा दिए दोस्तों, और जगा दिए तो ये सबको नज़र आएगा अब कि जग चुका है। SBI कार्ड, बहुत दिन हो गया दोस्तों मुझे बकबक करते हुए इस स्टॉक में, लेकिन अब इसको भी हमने जगा दिया है और इसको 1000 पार करके जल्दी ही दिखाएंगे हम कि कैसे। देखो भारतीय एयरटेल, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, 5,00,000 करोड़ से ज़्यादा का ये मार्केट कैप, Nifty 50 का जानदार शानदार स्टॉक है जो ज़्यादा दिन नहीं सोता है, और जैसे सोता है कुछ इसकी नींद बहुत तेज़ रहती है। GMR एयरपोर्ट, ये भी सर्विस सेक्टर का स्टॉक है, और ये स्टॉक जो है आपको जो 75 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं उसमें ये उसका रख रखाव मेंटेनेंस के लिए बहुत बड़ी ऑर्डर क्या उसके जिम्मेदारी है, और ये स्टॉक आपको देखने को मिलेगा थोड़े ही दिनों में, 2024 फरवरी से इस स्टॉक को आप याद कर लीजिएगा। आज की तारीख यहीं दिखा देते हैं कि आज की तारीख क्या है, आज की तारीख लिखना क्या है, आज की तारीख 5 सितंबर है, 3:30 का स्क्रीन शॉट है, याद रखिएगा MBA BK सिंह ने कहा था कुछ, और ये तब से मैं कहते आ रहा हूँ जब ये स्टॉक 44-45 रुपया रहा करता था, ठीक है, सभी को मालूम होगा। दूसरी तरफ इस स्टॉक में जब से मैं आपको बता रहा हूँ 2.70 रुपया का स्टॉक था तब से, GVK पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बॉम्बे एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 की देख रेख के लिए और पावर सप्लाई और मेंटेनेंस के लिए इसकी भी जिम्मेदारी है। ये स्टॉक अपर सर्किट लगा दिया आज, और ये स्टॉक अब रुकने वाला नहीं है क्योंकि ये जल्दी ही 1,000 करोड़ का मार्केट कैप होने वाला है, और ये प्राइज अर्निंग भी शुरू कर दिया दोस्तों। इंडियन रेलवे कैटरिंग टूर्स कॉरपोरेशन, ये स्टॉक आपको दिखने के में दिवाली से पहले ही आपको ये दिखेंगे कि ये स्टॉक 770 तो अभी हो जाएगा, लेकिन ये स्टॉक 4 डिजिट में जाने के लिए तैयारी कर चुका है, अब ये रुकने वाला नहीं है क्योंकि PM गति शक्ति प्लान के अंतर्गत 5,25,000 करोड़ 5,25,000 करोड़ का पैकेज इसको मिलने वाला है। इन 4 स्टॉक को कौन कौन से भी आपको यही बता देते हैं, IRCTC, IRFC, इरकॉन, RBNL और भेल, ये सभी को मिलकर एक गतिशक्ति मिशन के अंतर्गत काम कर रहे रेलवे में आपको बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। अब चलिए सर्विस सेक्टर का ये स्टॉक जल्दी ही 2500 डबल होने वाला दोस्तों, SBI लाइफ, क्योंकि इसका प्लान इतना ये 840 रुपया था तब से मैं बताते आ रहा हूँ, और ये आपको कम से कम 50% का प्रॉफिट दे चुका दोस्तों, जल्दी ही 1600 हो जाएगा तो डबल हो जाएगा। चलिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, देखते देखते ये देखिए स्टॉक 580 से अभी आपको 660 हो गया, और ये भी 1000 के पार, 1000 से 1200 के पार जाने के लिए दिवाली तक, फरवरी 2024 तक जाने के लिए तैयार है। बजाज फाइनेंस को कौन नहीं जानता दोस्तों, एक बढ़िया स्टॉक है और ये 8000 के पार जल्दी ही जाएगा, और दूसरी तरफ ये स्प्लिट की भी संभावना हो सकती है, तो ये भी स्टॉक जो है आपको लगभग 700-800 के आसपास आ जाएगा, तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, इसलिए कि इसका भी मार्क 4,00,000 करोड़ से 4,45,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और ये स्टॉक आपको बढ़ते रहेगा। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि कितना परसेंट, और ये आपको आज गया था, हाई बनाया था, ये 75-70 रुपया तक हाई गया था, जो आपको जल्दी ही 100 रुपया के पार देखने को मिलेगा, तो होल्ड करके रखिए, ये लंबे रेस का घोड़ा है दोस्तों, क्यों
इस ये देखिए कल था आपको 87,000 करोड़ का मार्केट कैप, आज 94,000 करोड़ का मार्केट कैप, 6,000 करोड़ और भी 2-3 दिन में हो जाएगा। और ये बम्पर कमाई करके थोड़ा सा इसमें यही है कि इसकी कर्ज थोड़ा है लगभग 8%, सबसे ज़्यादा NBFC सेक्टर के जो स्टॉक हैं उसमें थोड़ा कर्ज है, कर्ज भी ये थोड़ा कम कर रहा है। चलिए पैनी स्टॉक में 8.55 रुपये का स्टॉक, ये इसको भूलना नहीं है, इसको भी अपने रडार पे जरूर रख लेना दोस्तों। चलिए जल्दी से अब ख़त्म करते हैं, टाइम भी नहीं है। जय प्रकाश एसोसिएट उठा लीजिए माल, ये भी देखिए 6% का, ये तो जब से ये 6 रुपये से ये डबल कर दिया है दोस्तों, जब से मैं बता रहा हूँ। JP एसोसिएट सीमेंट बनाती है और ये आपको मुंबई में बहुत बड़ा फ्लैट का भी काम करता है। जय सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है, आई मस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ इन इंट्राडे टेक मुंबई MBA BK सिंह के चैनल स्टॉक मार्केट में कुबेर के खजाना। दो चैनल हमारे हैं दोस्तों, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक है आपको स्टॉक मार्केट में, यूट्यूब पे सबसे बड़ा नाम है स्टॉक मार्केट में कुबेर का खजाना, सबसे बड़ा नाम मतलब इतना बड़ा नाम किसी भी चैनल का नहीं है शेयर मार्केट जुड़ा हुआ। और यहाँ पर जब जाएंगे तो वहाँ भी आपको बहुत चीज़ मिलेगी, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूट्यूब पे वीडियो 7,300 का वीडियो यूट्यूब पे सेकेंड स्थान पे इंट्राडे टेक मुंबई का है सिर्फ 2.5 साल में। अगर हम समय की बात करेंगे तो यूट्यूब पे फर्स्ट यूट्यूब चैनल है जो कि 7,300 के आसपास वीडियो, जो आपको समुद्र की तह में जाएंगे तो बहुत खजाना ही मिलेगा दोस्तों। तो आप ज़रूर देखिए, एक हमारा एक एपिसोड आता है दोस्तों सोमवार की बात MBA BK सिंह साथ, इसमें आपको जीवन शैली बदलने के लिए स्टॉक मार्केट में खींचने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। लगभग 500 से ज़्यादा वो एपिसोड होगा सोमवार की बात MBA BK सिंह के साथ। ये आप पूरा एपिसोड देख लीजिए, बहुत आपको काम आएगा। जय हिंद, जय भारत। मंदिर लाइक कर दीजिए।